मुरादाबाद की महायोजना 2031 को लागू करने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तेजी से कार्य को किया जा रहा है। इस महायोजना 2031 को लागू करने से पहले मुरादाबाद की जनता से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे, जिस पर मुरादाबाद की जनता द्वारा आपत्ति भी लगाई गई और अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सीमा योजना 2031 की गुणवत्ता बरकरार रहे और सभी का सम्मान बना रहे, इसी उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई की गई और सभी के द्वारा दिए गए सुझावों पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गौर भी किया गया। इन दिनों महायोजना 2031 को लागू करने के लिए महायोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस अंतिम रूप देने पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सभी आपत्तिकर्ताओं को अपनी आपत्ति दर्ज करने का और अपने सुझाव देने का एक अंतिम अवसर भी प्रदान किया गया था। आज इस अंतिम अवसर का अंतिम दिवस था, जिस पर प्राधिकरण के मीटिंग हॉल में आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई और कहा गया, मेरे द्वारा जो आपत्तियां थी वो खासतौर से इंडस्ट्री एरिया में कुछ, जो लक्ष्मीपुर का इंडस्ट्री एरिया है जो 2010 में जो है जो लागू हुआ था उसमें कुछ आपत्तियां थी। घाटा संख्या 273, 274, 238, ये कुछ बाग वहाँ उस समय था तो वो बाग जो है अब कट गया है, तो वहाँ उसको जो है क्लियर कर देना चाहिए, जिससे कि जो है फैक्ट्रियाँ बननी वहाँ शुरू हों। जो है इंडस्ट्री वो ख़त्म हो गई है आई थिंक, और आश्वासन दिया है कि नहीं ये निपटा दिया है। और दूसरा मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये था, जीरो पॉइंट पे जेल जो थी वो पहले जो थी प्रपोज थी, अब वो जेल जो है अभी तक उसको शिफ्ट करने के लिए मास्टर प्लान में कल जब देखा गया तो कोई प्रपोजल नहीं है और वहाँ बननी नहीं है जहाँ प्रपोज थी 2010 में। तो ऐसे में मेरे जब वीसी साहब से कल बात हुई थी तो वीसी साहब ने जो है टीपी साहब को जो है निर्देशित किया था कि वो जो है प्रशासन से बात करें कि मतलब वो कहाँ पर जो है इसको जो है दिया जाना है जेल की जगह को। आज आप इसमें कार्रवाई में बैठे थे, क्या जवाब मिला है? मुझे तो अभी पॉजिटिव जवाब मिला है और कल ही बता दिया गया उनको टीपी साहब को, और लोगों ने भी कहा और उन्होंने सराहा भी हमारे जो बिंदु थे। और हमने जो है एक तो सब्जी मंडी जो यहाँ पर है आपके लाइन पार, बहुत बड़ी सब्जी मंडी है जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है आने जाने में गाड़ियों को, लोगों को भी परेशानी होती है, उसको शिफ्ट किया जाए। तो उसके लिए भी जो है वो जो 273 एक NH बन रहा है जो बाईपास कट्टई से आगे से जो निकाला जाएगा और वो जो है इधर दिल्ली रोड पर निकलेगा, 34 किलोमीटर का है, उस पर जो है उन्होंने वहीं पर ही जो है उसको जगह। शनिवार को मुरादाबाद के दिल्ली रोड प्राधिकरण कार्यालय पर लगातार दावे एवं आपत्तियों पर सुनवाई का कार्य जारी रहा। आज आपत्ति सुनने का शनिवार 5 नवंबर को अंतिम दिन था, जिसके चलते अंतिम दिवस दावे एवं आपत्तियों पर सुनवाई की गई। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार से जब इस बाबत बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आज आपत्तियों पर सुनवाई की जा रही थी, प्राधिकरण द्वारा लगातार मौका दिया जा रहा था और आज शनिवार 5 नवंबर को अंतिम मौका दिया गया था। सुनवाई का कार्य पूर्ण हो चुका है, जल्द ही महायोजना 2031 पर रणनीति तैयार करके उसको लागू किया जाएगा। देखिए ये महायोजना जो 2031 का प्रारूप है मुरादाबाद की, उसमें आज दावे आपत्तियों की सुनवाई का अंतिम दिन है और सुबह से ही जो है यहाँ पे पूरी कमेटी बैठी हुई है और जिन लोगों के द्वारा भी आपत्तियाँ और अपने जो है सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं उनकी सुनवाई का उनको अवसर दिया जा रहा है। अभी तक जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, आज आपत्ति संख्या 361 से लेकर के 410 तक के लोगों की सुनवाई का अवसर था। उसके अलावा भी जो 3 बजे के बाद से हम उन लोगों को अवसर दे रहे थे जो अभी तक किसी कारण से अपनी बात नहीं कह पाए थे, आज हमने उनको जो है बचे हुए लोगों को भी अवसर दिया है। तो ये सुनवाई का दौर जो है 5 बजे तक अथवा जो है उसके बाद भी लोग आते हैं तो उस समय तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब आज जो है सुनवाई का दौर समाप्त हो जाएगा, शीघ्र ही जो है इसमें हम अग्रेतर कार्रवाई करेंगे और जल्द ही हम लोगों को उम्मीद है कि बोर्ड से इसको पास करा करके महायोजना का जो प्रारूप है उसको शीघ्र ही शासन को प्रेषित कर रहे हैं। कौन कौन रहे थे सुनवाई में? सुनवाई में ये उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मेरी अध्यक्षता में ये कमेटी थी शासन द्वारा नियुक्त कमेटी, इसमें मंडलायुक्त महोदय के प्रतिनिधि, इसमें हमारे जो चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर हैं उनके प्रतिनिधि, नगर आयुक्त साहब, इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि और टाउन प्लानर,
इस तरह से 6 लोगों की कमेटी है जिसके द्वारा सुनवाई की जा रही है।